गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर वीडियो कैसे हैं आप सब हम आज बात करें स्टैंडर्ड एथ के नए चैप्टर की चैप्टर नंबर नाइन साउंड राइट right? आवाज़ हम हमारी ज़िंदगी में रोज़ अलग अलग टाइप की आवाज़ सुनते हैं वी हीयर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइसिस एंड साउंड इन आवर डेली लाइफ राइट कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं कुछ कानों को अच्छे लगते हैं लाइक म्यूजिक राइट बर्ड्स चार्पिंग इनकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है बट इन द सेम टाइम अगर बाजू में से कोई बड़ा सा वही जाता है और वो पॉ कर देता है तो वी फील इरीटेटेड राइट right? या फिर कहीं पर कुछ गिरता है धड़ाम करके तो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता या फिर किसी चीज़ के ऊपर हार्डली हम स्क्रैच करते हैं और जो चीँ का आवाज़ आता है उससे भी हमारे कान को इरीटेशन हमें होती है तो दिस ऑल थिंग्स आर काइंड ऑफ़ नॉइसिस एंड साउंड तो हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि ये आवाज़ कैसे बनते हैं हाउ आर दिस वॉइस प्रोड्यूस्ड इनकी क्वालिटी क्या है ये कैसे कैसे हम इसकी वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है फिर हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा नॉइस कौन सा होता है और बुरा नॉइस कौन सा होता है तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर पहले हम पढ़ेंगे कि आवाज़ क्या होता है द फर्स्ट थिंग इज़ वॉट इज साउंड साउंड होता कैसे है बनता कैसे है तो नीचे आपको एक एक्टिविटी दी हुई फिगर नाइन पॉइंट वन में जो पहली एक्टिविटी है वो आपके लिए ईजी है आपको कंपास के ऊपर दो पेंसिल रख के उसके ऊपर रबर स्ट्रेच कर देना है ठीक है तो जैसे जैसे आप रबड़ को खींचोगे वैसे वैसे आपको वो आवाज़ सुनाई देगी राइट जो रबड़ जो कम्पास के साथ टच होगा वो नहीं उसके अलावा भी जब रबड़ हवा में शेक कर रहा होगा तब भी आपको आवाज़ सुनाई देगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ जो है वो किससे बनती है इट इज़ प्रोड्यूस बाई दी वाइब्रेशन ऑफ दी बॉडी राइट कोई बॉडी जब वाइब्रेट करती है बहुत स्पीड में बहुत ज़ोरों से तो उसमें से क्या होता है आवाज़ निकलती है ये दूसरी बार आप ये एक और चीज़ कर सकते हो आपके गले के ऊपर हाथ रखो और धीरे धीरे बोलो और फिर ऊंचा बोलने लगो तो आपको पता चलेगा कि आपके गले की मूवमेंट बढ़ गई है जब आप स्लो स्लो बोल रहे थे तो आपका गला बहुत नहीं हिल रहा था लेकिन अब जब फास्ट फास्ट बोल रहे हो ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो तो आपके गले का जो है वो साइज़ बढ़ रहा है अंदर वाइब्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है दैट वेन समथिंग वाइब्रेट्स जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तभी हमारे या फिर किसी भी बॉडी में आवाज़ पैदा होती है राइट उसकी आपको डेफिनेशन दी हुई यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस्ड साउंड इज़ प्रोड्यूस द वाइब्रेशन और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या मान लो कि एक बॉडी यहाँ पर है तो ये यह, यहाँ गई वापस आई यहाँ गई वापस आई यहाँ गई, गई वापस आई तो इस मोशन को क्या बोलते हैं टू एंड फ्रो मतलब आगे जाके वापस आना जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी बहुत स्पीड में और बहुत टाइम तक तो वो वाइब्रेशन पैदा करेगी और बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन वॉट वी हियर इज कॉल्ड साउंड अब ये साउंड तो बन गया उसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं तो इट हैज़ थ्री क्वालिटीज़ पहला है लाउडनेस दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी आवाज़ कितना लाउड है आवाज़ कितना पिच है मतलब हाई पिच जो होते हैं ना पतला सा एकदम ऊंचा और पतला सा आवाज़ होता है वो और तीसरा है क्वालिटी उसकी तो एक एक करके देख लेते हैं तो पहला है लाउडनेस तो वॉट डिटर्माइन द लाउडनेस ऑफ अ सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड फील योर थ्रोट एस यू विस्पर एंड देन फील एस यू साउंड कैन यू गेस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू मैंने अभी बात की कि आप अपने गले के ऊपर हाथ रख के धीरे बोलिए और जोर से बोलिए तो क्या आपको समझ में आया कि आप ये आवाज़ की लाउडनेस है वो किसकी वजह से होती है तो उसका आंसर है जब आपने पिछली एक्टिविटी में वो जो रबड़ बैंड वाली थी पेंसिल रख के आपने रबड़ खींचा था राइट उसको एक आप बार फिर से करिए उसमें क्या है पहले रबड़ को धीरे से खींचिए राइट right? तो वो टिक ऐसे छोटा सा वाइब्रेशन देगी आपको और फिर आप उसको जोर से खींचे तो आपको टर्न करके आवाज़ आएगा राइट right? तो इसका मतलब क्या हुआ यह रहा यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ लार्ज द दाइब्रेशन आर वो वाइब्रेशन कितना बड़ा है राइट right? आपने धीरे से खींचा मतलब थोड़ा सा ऊंचा किया तो छोटी आवाज़ आएगी लेकिन आपने रबड़ को बहुत ऊपर खींचा तो आवाज़ उतनी बड़ी आएगी तो मतलब जितना बड़ा वाइब्रेशन दे रहे हैं आप उस चीज को उस आवाज़ को लाउडनेस उतनी बड़ी होगी और इसका डेफिनेशन क्या होगा दैट द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस इज राइट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं हम एम्पलीट्यूड मतलब उसको देखो यहाँ पर ये, ये रबड़ आपने थोड़ा सा खींचा यहाँ पे तो कम आवाज़ आ गई लेकिन इसी रबड़ को आप बहुत ज़्यादा ऊपर खींचते हो तो आवाज़ बढ़ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस राइट उसके बाद आता है पिच तो पिच मतलब कि आवाज़ कितनी पतली है और आवाज़ कितनी फटी हुई है या फिर बड़ी है उसके दो एग्जाम्पल में आपको देता हूँ पहला है जो सैटरडे को हम मास पीटी करते हैं उसमें जो पीटी टीचर की विसल बजती है उसकी आवाज़ कैसी होती है पतली सी होती है और दूर तक तो तो सुना देती है एकदम कानों के अंदर लगती है हमको ठीक है और जो विसल बजती है करके राइट तो वो पतली सी होती है विसल जो ब्लैक कलर की आती है और उसी दिन उसी मास पीटी में जब ड्रम बजते हैं तो ढम ढम ऐसा आवाज़ आता है राइट तो दिस टू आर दी पिच ऑफ द साउंड एक पूरा बैठा हुआ फटा हुआ है और दूसरा जो है वो एकदम पतला और ऊंचा सा है तो जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा पिच कहलाएगा राइट वो भी देख लेते हैं ए स्ट्रिल साउंड लाइक दैट ऑफ विसल इज़ हाई पिचड ए बेस साउंड लाइक दैट ऑफ बेस ड्रम इज़ लो पिचड विसल का जो होता है वो हाई पिच होता है और जो ड्रम जैसी चीज़ें होती है जो बड़े सरफेस एरिया वाली होती है उनकी आवाज़ कैसी होती है लो पिच होती है राइट इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का आवाज़ जो होता है जब वो रोते हैं ना तो उनकी आवाज़ बहुत पतली और हमको कानों में लगती है अगर कोई बड़ा आदमी रो रहा है राइट तो उसकी गले की आवाज़ जो होती है वो उतनी पतली नहीं होती है बच्चे जब चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत तीखी होती है लेकिन जब बड़े चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ का जो बेज है वो बढ़ जाता है राइट फटा हुआ लगता है हमको तो ये भी किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ द पिच वही रबर बैंड वाली एक्टिविटी में आपने साउंड चेंज नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप रबड़ को टाइट करते जाएंगे पेंसिल के ऊपर आप लपेट के लपेट के खींचते जाएंगे तो आवाज़ की पिच जो है वो क्या होगी बढ़ती जाएगी राइट यू विल नोटिस दैट एस यू टाइटन द रबड़ बैंड इट वाइब्रेट फास्टर एंड प्रोड्यूस साउंड जैसे जैसे आप रब, आप जितना रबड़ को टाइट करोगे पेंसिल के आजू बाजू में वो जल्दी वाइब्रेट होगा मतलब ठीक है और आवाज़ भी बहुत पतली पतली सी प्रोड्यूस करेगा राइट दिस इज़ ट्रू ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो यही हम कहाँ अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई करते हैं गिटार हो गया सितार हो गया राइट उसको हम क्या करते हैं सितार में और कितार में ऐसा होता है राइट यहाँ पे जो बंधा होता है एक वायर और तीन वायर यहाँ पर होते हैं तीन वायर ऊपर होते हैं तो इसको हम जितना टाइट करते हैं और जब उसको उंगली से हिलाते हैं तो जितना टाइट होगा वो उतना क्या होगा आवाज़ पतला और हाई पिचड होगा राइट अब उसकी डेफिनेशन क्या हो गई द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द रैपिडिटी ऑफ द दाइब्रेशन पिच किसके ऊपर डिपेंड है कि वो चीज कितनी जल्दी वाइब्रेट हो रही है राइट right? कितना वाइब्रेट हो रहा है इसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड थी कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है इसके ऊपर पिच डिपेंड है ठीक है आप इस पर कंफ्यूज मत होना लाउडनेस में क्या लिखा था दैट द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन हाउ द दाइब्रेशन आर मतलब कि ये अगर आपका कंपास है तो ये रबड़ ऊपर जाके नीचे कितना दूर जाता है इसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है लेकिन उसी कम्पास के उसी रबड़ को आप कितनी बार जल्दी जल्दी करते हो उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है पिच डिपेंडेंट है ठीक है द रेपिडिटी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अब ये जो आपने रबड़ को ऐसे कम्पास के ऊपर बांधा है यहाँ पर एक पेंसिल है यहाँ पर एक पेंसिल है राइट आगे की एक्टिविटी में तो ये जो रबड़ है वो कितनी जल्दी वाइब्रेट होता है इस वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं राइट right? ये रहा आपको दिया हुआ है द वाइब्रेशंस द रेपिटेटिव रिपिलिटिशन कॉल फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ ए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इट कंप्लीट इन वन सेकेंड राइट और कुछ नहीं है ये जो रबड़ है ये पेंसिल के ऊपर लपेटा हुआ रबड़ है ये एक सेकेंड में आपने इसको जितना टाइट कर दिया यहाँ से और यहाँ से तो ये एक सेकेंड में कितनी बार जल्दी 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 जल्दी, जल्दी वाइब्रेट हो सकता है उसे क्या बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ठीक है मान लो कि कोई रबड़ एक सेकंड में दस बार ऊपर नीचे होता है दस बार वाइब्रेशंस करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई दस हुई राइट अब हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है आप बड़े हो गए हो तो आपका वजन जो है वो किलोग्राम में नापा जाता है आप आते हो आपको कोई आपका वज़न कितना है तो आप बोलेंगे मैं पचास किलो का हूँ मैं साठ किलो का हूँ राइट आपकी अगर हाइट पूछेगी तो आप बोलेंगे मैं वन थर्टी सेंटीमीटर का हूँ मैं वन फोर्टी सेंटीमीटर का हूँ राइट तो हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है हमारे घर से स्कूल का इंटर डिस्टेंस जो है वो पचास किलोमीटर है साठ किलोमीटर है तो एवरी थिंग डेट वी डिस्कस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट टाइम्स राइट हम उसका ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैसे ही ऐसा यूनिट क्या है हर्ट्स है right? राइट ये रहा एच ई -E आर टी जेड हर्ट्स उसका सिम्बॉल है एच जेड तो हमने अभी जो बात की थी कि भाई एक रबड़ जो है वो एक सेकेंड में दस बार दस रेप्रजेंट करता है राइट right? तो उसकी फ्रिक्वेंसी दस हुई लेकिन दस क्या तो उसके पीछे यूनिट क्या लगेगा टेन हर्स लगेगा ठीक है ये रहा यहां पर आपको दिया हुआ है टेन हर्ट्स गुड अब आप जितना इस पेंसिल को नज़दीक लाते जाओगे ठीक है आप तो ये लगेगा कि साउंड जो है अब वो बहुत ज्यादा पतला होता जा रहा है और हाई पिच होता जा रहा है राइट पहले वाइब्रेशन बड़ी थी अब क्या हो रहा है आप जब पेंसिल नज़दीक लाओगे रबड़ वाली उसको टाइट करके फिर खींचोगे तो क्या होगा आपको आवाज़ थोड़ी और पतली मिलेगी मतलब ये जो था दूर दूर थी पेंसिल और टाइट था तो वाइब्रेशन बढ़ रही थी आवाज़ पतला था लेकिन उसी टाइट रबड़ वाली पेंसिल को अगर आप नज़दीक नज़दीक रख दोगे और पूरा टाइट कर दोगे रबड़ को और सिर्फ इतना रखोगे तो आवाज़ जो बनेगी दैट वुड बी मोर हाई पिचड राइट अब इसी पिच के ऊपर से हम तीन इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं पहला होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने बात की गिटार की दूसरे होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट जो हम फ्लूट बजाते हैं वो और तीसरे होते हैं प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि तबले जैसे जिनके ऊपर चारों बाजू एक शीट टाइट बंधी होती है और उसके ऊपर हम चीज़ों को मारते हैं तो एक एक करके देख लेते हैं इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार वायोलिन वीना एंड सरोद साउंड इज़ प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स राइट वो जो होती है इस गिटार के ऊपर यहाँ पे आपको ये गिटार दिख रहा है आपको उसके ऊपर जो होती है वो कैसी स्ट्रिंग होती है मेटल की होती है राइट right? तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है ठीक है वो मेटल वायर तो वो फ्रीकवेंसी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन लेंथ थीकनेस एंड टॉर्टनेस पहली चीज़ है कि ये वार कितना लंबा है लेंथ दूसरी क्या है थिकनेस वो मोटा कितना है राइट right? उघरे जितना है उंगली जितना है और टॉटनेस वो चौड़ा कितना है अब मोटे में और चौड़े में आपको कंफ्यूजन होगा तो मोटा मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वो थिक कितना है राइट right? उसका सरकमफरेंस कितना है वो गोल कितना है और चौड़ा मतलब कि वो फैला हुआ कितना है कितनी जगह रोक रहा है राइट right? तो उसकी टॉटनेस कितनी है अब जो थिकर स्ट्रिंग्स होगी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ थिकर स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस साउंड ऑफ लोअर पिच एंड यू रेड्यूज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंडिंग ऑन वेर यू प्रेस द पिच इंक्रीजिस जो ज़्यादा मोटे वायर होते हैं वो है जो है वो लोअर पिच का आवाज़ बनाते हैं और जैसे जैसे आप इसकी लेंथ जो है वायर की इतनी थी अब आप घटा कर इतनी कर दोगे फिर आप इतनी कर दोगे आप इतनी कर दोगे तो जैसे जैसे आप लेंथ घटाते जाओगे आपका पिच जो है वो कैसा होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ये था आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट अब आप बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट की तो जब भी शादी में पेपूड़ी बजती है राइट फ्लूट बजती है तो हम सब नाचने लगते हैं लेकिन कभी सोचा नहीं है हमने कि ये फ्लूट जो है वो बजती कैसे है तो कभी उस फ्लूट को ध्यान से देखना उसके एंड एंड में ये जो फ्लूट होती है ना उसके यहाँ पर होल्स होते हैं राइट एंड एंड में पाँच छः सात आठ होते हैं और यहाँ पे माउथ पीस होता है जहाँ से एयर डालनी होती है अब ये जो होल्स होते हैं ना ये अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के होते हैं ये कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो जब उसको ज़्यादा बड़ा आवाज़ चाहिए तो वो उस तीन होल के ऊपर उंगली रख देगा जहाँ से उसको हवा निकालनी नहीं है एक एक होल में से हवा निकलेगी तो पतली निकलेगी फिर अगली बार क्या करेगा वो इस होल के ऊपर से उंगली उठा देगा और इसके ऊपर रख देगा तो अब इस तीन के ऊपर उंगली के ऊपर हवा है सॉरी उंगली है होल के ऊपर और इसमें से आवाज़ निकल रहा है मतलब क्या कि जिस होल में से उसको आवाज निकालनी है वो उन्हीं होल को खुला रखता है बाकी अपनी उंगलियों से ढक देता है तो अब उस होल का एरिया कितना बड़ा होगा वो होल कितना बड़ा है उसमें से हवा कितनी स्पीड में निकल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आवाज़ कैसी प्रोड्यूस होगी राइट इन विंड इंस्ट्रूमेंट लाइक द सेक्सोफोन क्लैरिनेट सेहना एंड फ्लूट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ऑफ द एयर कॉलम्स वो जो होल होते हैं फ्लूट के ऊपर वो होल को क्या बोलते हैं एयर कॉलम्स बोलते हैं राइट ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो अंदर से खोखला होता है पाइप जैसा होता है और जब इसमें हवा भरी जाती है तो वो एयर कॉलम जो है वो डि क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट के जिसका नाम है प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट मतलब ये वाले ये तबला और ड्रम जिनके ऊपर एक मेटल की सीट सॉरी एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्ट्रेच की हुई होती है मेम्रेन राइट right? आपने ढोल देखा है उसके ऊपर बंधा हुआ होता है ऊपर गोल गोल जिसके ऊपर आप हाथ या डंडा मारते हो राइट right? अब ये जो है वो उसकी चौड़ाई है जो हम टॉटनेस की बात कर रहे थे राइट right? तो जितना चौड़ा उसका एरिया होगा राइट right? उसकी उतनी पिच होगी अब तो अगर छोटे है तो आवाज़ पतली होगी इसीलिए जब हम मास पीटी करते हैं तो बड़ा सा वो वाइट कलर का ड्रम यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी पिच जो है वो बड़ी होगी हम एक ढम मारते हैं तो पूरे ग्राउंड में बड़ा होता है क्योंकि उसका एरिया क्या है बहुत बड़ा है राइट टॉटनेस जो है वो इतनी बड़ी है और हम जब प्रार्थना करते हैं तो छोटे छोटे ढोल यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि तब हमें सिर्फ हमारे आगे जो स्टेज पे खड़े होते हैं या फिर पहली रो में खड़े होते हैं या फिर कानों को कानों को सुनाई दे सिर्फ इतनी ही आवाज़ बनानी होती है तो इसलिए हम वहाँ पर छोटे ड्रम इस्तेमाल करते हैं तो जिससे जितने जितने छोटे ड्रम होंगे जितना एरिया टॉट होगा उतनी आवाज़ श्रेल होगी राइट अब हमने तीन चीज की बात की थी लाउडनेस पिच और क्वालिटी तो लाउडनेस हमने देख लिया पिच हमने देख लिया अब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आवाज़ की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है तो एवरीथिंग इन साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी हमने आगे पढ़ा कि भाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या तो वो जो मेटल वायर है जो वाइब्रेट हो के आवाज़ बना रहा है या फिर वो जो रबड़ था हमारी एक्टिविटी का उसको हम खींच के हम लोग जो खींच रहे उसको वो जो वाइब्रेट हो के आवाज़ बना रहा है वो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट होता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी हमने ये अभी पढ़ा कि भी कोई भी चीज़ गिवन टाइम के अंदर कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ड्स राइट right? तो अब क्वालिटी की अगर हम बात करें राइट right? तो देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग क्वालिटी है आपने एक बाजू ड्रम लिया और एक बाजू गिटार लिया तो अगर आप दोनों को दस की फ्रीक्वेंसी पे बजाते हो तो आपको गिटार ज़्यादा पसंद आएगा और ड्रम जो है वो आपको कम पसंद आएगा हालांकि बज वो दोनों दस ही हर्ट्स पे भरे राइट right? दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखी आपने गिटार को दस की फ्रीक्वेंसी पे टर्न किया और ड्रम को ट्रेन की फ्रिक्वेंसी पे डम किया आपने उसके ऊपर मारा बट आपको पसंद कौन सा आएगा क्वालिटी आपको कैसी पता आप आंखें बंद करके भी आपको अगर कोई डस्ट की फ्रिक्वेंसी पे तीन अलग अलग चार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखा दे तो आप आसानी से बता सके हो कि ये जो अभी बजा वो गिटार था अभी जब बजा वो ड्रम था अभी जो बजा वो पियानो था क्यों क्योंकि उसकी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो अलग अलग रहती है राइट जैसे कि हम क्लास में बात करते हैं तो हम एक ही टीचर सब एक एक ही सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाता है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं राइट तो आप लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी है अब हमें पता है कि एग्ज़ाम में कौन सा बच्चा कितना लाएगा ठीक है उसके लिए हमें हर एक बार फिर से आपको बुलाना नहीं पड़ता है तो दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी हमें पता है कि एक बार में कितना बच्चा कौन सा पढ़ लेगा दो तीन बार में कौन पढ़ लेगा दस बार में कौन पढ़ लेगा और कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा राइट ऐसे बहुत भी होते हैं तो ऐसा ही होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी तो वो देख लेते हैं बाई द क्वालिटी ऑफ साउंड वी मीन वेदर इट इज़ रिच और फ्लैट वो कितना अच्छा है और कितना बैठा हुआ है इवन इफ ए सितार एंड अ सरोड प्रोड्यूस साउंड ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड यू विल बी ईजीली यू विल बी एबल टू टेल दम अपार्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ़ द साउंड विल भी डिफरेंट एक्चुअली वैन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट नेवर प्रोड्यूस जस्ट साउंड ऑफ वन फ्रीक्वेंसी वन यू प्ले अ पर्टिकुलर नोट ऑन अ गिटार फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट प्रोड्यूस वन नोट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से द बेसिक नोट प्रोड्यूस अ गिटार इज फ्रीक्वेंसी एफ इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर मल्टीपल्स ऑफ एफ दैट इज टू एफ थ्री एफ एंड सो वन अब देखो आपने वो रबड़ वाली एक्टिविटी की थी हमने आगे जो बात की उसके ऊपर आपने पेंसिल के ऊपर रबड़ बांध रखा है अब ये रबड़ को आपने यहाँ तक खींचा तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ बट जब रबर स्लो होता जाएगा तो हर बार वो इतना ऊंचा नहीं आएगा कभी वो यहाँ आके रुकेगा वापस आ जाएगा कहीं वो यहाँ आके आएगा वापस रुक जाएगा कहीं वो यहाँ आके आएगा रुपए रुक जाएगा तो ये जो वाइब्रेशन बने दे आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ एफ ये एफ़ तो मेन है ही जो जितना सबसे ऊपर गया था वो एफ़ है अब इसके नीचे जितने भी बार ये रबड़ वाइब्रेट होगा उसको बोलेंगे हम हारमोनिक्स क्या बोलेंगे एच ए आर एम ओ एन आई सी ये रहा आपको यहाँ पर दिया हुआ है हारमोनिक्स राइट जैसे कि ये रबड़ यहाँ से इतना ऊंचा गया तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ़ फंडामेंटल इससे ऊपर दूसरी बार रबड़ जाएगा नहीं लेकिन यहाँ पर आके रुकेगा यहाँ पर आके रुकेगा यहाँ से वापस आएगा यहाँ से वापस आएगा यहाँ से वापस आएगा तो इसको बोलेंगे हम हारमोनिक्स राइट अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ये हम क्वालिटी में क्यों पढ़ रहे हैं तो जब रबड़ यहाँ तक जाता है तब बड़ा आवाज़ होता है टन फिर जब वो रबड़ बंद होने आता है तो आवाज़ धीमी होती जाती है टन करके स्लो हो जाता है राइट एकदम बंद हो जाता है और जब रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा तो आवाज़ बंद हो जाएगी तो ये जो यहाँ पे टन यहाँ पे टन यहाँ पे टन ऐसे धीमे धीमे आवाज़ आती रही उसको हम क्या बोलते हैं हारमोनिक्स बोलते हैं और यही हमें हेल्प करता है किस में कि हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी के आवाज़ को याद कर सके अब आपकी आंखें बंद है राइट मैंने जोर से गिटार बजाया तो वो ट्र ऐसे होके बंद हो जाएगा और उसी जगह पे मैं अगर जोर से ड्रम पे मारता हूँ तो उसका आवाज़ आएगा ढम तो यू वुड बी ईजीली एबल टू डिस्क्राइब एंड डिस्टिंग कि पहले जो सर ने बजाया वो गिटार था दूसरा जो बजाया वो ड्रम था जबकि आपकी आंखें बंद है लेकिन वो जो फंडामेंटल्स है वो जो हारमोनिक्स है राइट टू एफ़ थ्री एफ यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको राइट जिसको हम क्या बोलते हैं हारमोनिक्स बोलते हैं वो क्या होता है सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर ये बताने में कि क्वालिटी कितनी है आवाज की राइट दिस आर हारमोनिक्स लाइक फंडामेंटल बींग द फर्स्ट हार्मोनिक वन द सेम नोट इज प्लेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट द बेसिक फ्रीक्वेंसी जनरेटेड ऑन द फंडामेंटल इज सेम हाउ एवर द हारमोनिक प्रेजेंट एंड देयर रिलेटिव लाउडनेस आर डिफरेंट दिस इज वॉट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ अ साउंड जनरली अ साउंड इज रिचर इफ अ ग्रेट नंबर ऑफ हारमोनिक्स आर प्रेजेंट अब देखो आपको आवाज़ कौन सी पसंद आती है राइट हमारे कानों को आवाज़ वो पसंद आती है जिसमें हारमोनिक्स ज़्यादा होते हैं हारमोनिक्स क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये रबड़ या ये मेटल जो है वो आपने कितना ऊपर स्ट्रेच किया इतना ऊपर स्ट्रेच किया उसके बाद ये यहाँ पर आकर वापस आया यहाँ पर आकर वापस आया यहाँ पर आप वापस आया यहाँ पर, पर आकर वापस आया फिर यहाँ पर आकर वापस आया यहाँ पर आकर वापस आया और यहाँ पर तो ये जो नंबर्स है ना हारमोनिक्स के वो जितने ज़्यादा होंगे उतना आवाज़ जो है वो आपको अच्छा लगेगा मीठा लगेगा राइट क्योंकि एक ही बार में अगर वापस आ गया था है तो डन हमारे कान को ये आवाज़ अच्छी लगेगी नहीं डम बस खत्म हो गया तो हमको क्या होगा इरिटेशन होगा राइट तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ द साउंड तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ आउट साउंड ट्रैवल्स म्यूज़िक एंड नॉइस जो कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कल ख़त्म हो जाएंगे मैं आपको इसके होमवर्क अभी भी भेज देता हूँ ग्रुप में आप पढ़ते रहिए होमवर्क करते रहिए कोई डाउट हो तो पूछते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक टेक केयर गुड बाय